दुनियादारी। कौन है किसका? संसार में जो तुम्हारे अच्छे कर्म है वही तुम्हारे मित्र है। चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही है, विद्या मित्रम प्रवासेषु। जब तुम विदेश में होते हो, अपने घर से कहीं दूर होते हो, उस समय तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो विद्या है, कला है, तुम्हारे गुण है, तुम्हारी योग्यता, वो तुम्हारा मित्र का काम करती है। विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेश्च। यदि तुम गृहस्थाश्रम में हो तो तुम्हारा मित्र का काम तुम्हारी पत्नी करती है, वो मित्र है, तुम्हारा मनोबल भी बढ़ाती है, तुमको चिंतित देखकर समझाती भी है, तुम्हें दुखी देखकर थोड़ा हंसाती भी है, और तुमको परेशान देख करके समझाती है कि इतना क्यों परेशान होते हो, अपने घर में क्या कमी है, तुमको आलसी देखकर थोड़ा डांटती भी है कि घर में कुछ है नहीं, बैठे हो या तुम काम करो, ये मित्र का काम करती है। बीमारी के समय यदि तुम्हारा कोई मित्र है तो दवाई है, औषधि है, वो मित्र है। और यदि मृत्यु के समय तुम्हारा मित्र कोई है, व्याधि तस्य सुधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च, तो धर्म ही तुम्हारा मित्र है जो मृत्यु के समय तुम्हारा साथ देता है। इसलिए धर्म को कभी न छोड़ो। मानव धर्म कितना बड़ा धर्म है, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, बहन का धर्म, भाई का धर्म, पिता का धर्म, माँ का धर्म, सास ससुर का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म। सोचो मेरा धर्म क्या है, और अपने अपने धर्म को अगर निभाना सीख जाओ तो आपका घर तो स्वर्ग हो जाए। लोग ये तो जरूर बताते हैं कि क्या पिताजी को ऐसा करना उचित था, लेकिन कभी लोग ये नहीं कहते हैं क्या मुझे ऐसा करना उचित था। लोग ये कहते हैं कि क्या मेरी पत्नी को ये करना उचित था, पर ये भी तो कहो क्या मुझे करना क्या उचित था। अपने लिए वही क्वेश्चन कीजिए और अपने अपने धर्म को निभाइए, और धर्म ही आत्मा का मित्र है। और ये परमात्मा कौन है, आज थोड़ा मैं आत्मा परमात्मा की बात भी बताऊंगा, थोड़ा आत्मज्ञान भी हो जाए आप। आत्मा का स्वरूप तो अजर है, अमर है, अखंड है, निर्विकार है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। ध्यान देकर सुनना, एकाग्र होकर के, कि आत्मा का स्वरूप क्या है। परमात्मा कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि ईश्वर कहां रहता है। कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। घट घट में वह साई रमता, कटुक वचन मत बोल। मुसलमान कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, और हिंदू लोग कहते हैं कण कण में राम है। बड़ी अच्छी बात बताते हैं, लेकिन यदि जर्रे जर्रे में खुदा है और तुम मानते हो तो ये गाय भैंस को कैसे खाते हो? गाय भैंस में क्या जर्रा नहीं, उसमें तो बहुत जर्रा है। और गाय भैंस को खाते हो तो खुदा को खा जाते हो, और जब खुदा को खा जाते तो मस्जिद में नमाज क्या करते हो? अल्लाह इलिल्लाह उलिल्लाह, और जो खाया था वो गिल दिया, ये सब क्या कर रहे हो? ये सब फालतू नाटक है। जब जर्रे जर्रे में खुदा है तो क्या गाय भैंसा में खुदा नहीं, बकरा मुर्गा में खुदा नहीं, क्या अंडे में खुदा नहीं, क्या मछली में खुदा नहीं? जब जर्रे जर्रे में खुदा है तो सब में खुदा है, फिर खुदा से क्या जुदा है? सब में खुदा है। जब सब में खुदा है तो मांस कैसे खा सकते हो?
जीवों का वध कैसे कर सकते हो? किसी भी जीव का वध करोगे तो खुदा का वध हो जाएगा, ये महापाप हो जाएगा, फिर खुदा की इबादत क्या करोगे? और हिंदू भाई कहते हैं कणकण में राम है। चलो अच्छी बात है, कणकण में राम है, तो आपके माता पिता के शरीर में क्या कण नहीं है? उसमें भी तो कणकण है, तो माता पिता को सताते क्यों हो? और उनको सताते हो तो मतलब राम को सता रहे हो, सास ससुर को सताते हो तो राम को ही सता रहे हो, बहू को सताते हो तो राम को सता रहे हो, बेटे को दुख देते हो तो राम को ही दुख दे रहे हो। जब कणकण में राम है और बकरा मुर्गी खा रहे हो तो ये तो राम को ही खा रहे हो, क्योंकि बकरे मुर्गी में भी तो कण है, कण से ही बना शरीर है, अनेक कण से बना वो शरीर है, और उसको खाओगे तो राम को ही खा जाओगे। फिर ये भजन क्या कर रहे हो? रघुपति राघव राजा राम, अब पता ना पाऊं सीता राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम और मुर्गी घंटा झोला। नहीं खा सकते हो ये सब। और मनुष्य के खाने के लिए शाकाहारी चीजें इतनी अच्छी अच्छी है, वे खाइए। मनुष्य प्रकृति की ओर से भी मांसाहारी प्राणी नहीं है, क्योंकि जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं उनके दांत चौड़े होते हैं। आपके दांत चौड़े हैं, नुकीले नहीं है। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं वे जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, जो शाकाहारी होते हैं वे घोंट कर पानी पीते हैं। गाय घोंट कर पानी पीती है इसलिए कभी मांस नहीं खाती है, और तुम भी घोंट कर पानी पीते हो, तुमको भी कभी मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तुम शाकाहारी श्रेणी के अंतर्गत हो। शेर के सामने घास रख दो, 7 दिन का भूखा शेर बैठा रहेगा लेकिन घास नहीं खाएगा, क्योंकि प्रकृति ने उसको मांसाहार के लिए बनाया। वो चाट कर पानी पीता है, जब खाएगा तो मांस खाएगा। गाय के सामने तो मांस रख दो कभी नहीं खाएगी, जब खाएगी तो घास खाएगी, लेकिन आदमी के सामने घास रख दो तो पकौड़ी बनाकर खा लेगा, और मांस रख दो तो उसमें प्याज डालकर छौंक कर उसको भी खा लेगा। ये आदमी न गाय की ग्रेट में है, न शेर की ग्रेट में है, न मांसाहारी ग्रेट में, न शाकाहारी ग्रेट में, इसने अपनी सारी ग्रेट खत्म कर दी है। ये जहां जैसा दांव पाता वहां वैसा खा लेता, और जहां जैसा भजन करने पाता है राम राम भी कर लेता है, खुदा खुदा भी कर लेता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और उसके बाद फिर हलाल हलाल हलाल, ये सब क्या कर रहे हो? और फिर कहते हैं हमारे किताब में लिखा है, कुछ लोग ये भी बताते हैं हमारे किताब में लिखा है। लिखा है तो उसको काट दो, गलत लिखा है, क्यों उसको मानते हो? तुम्हारे किताब में लिखा नहीं है मोबाइल्स का प्रयोग करना, क्यों करते हो? तुम्हारे किताब में लिखा नहीं ट्रैक्टर चलाना, क्यों ट्रैक्टर से खेती करते हो? तुम्हारे किताब में बहुत सारी बातें नहीं लिखी वो करते हो, तो बहुत जो फालतू लिखी उनको मत करो फिर, क्यों करते हो? किताब लिखने वाला भी तो कोई इंसान होगा, उसने अपनी समझ से लिख दिया, उसमें संशोधन कर दीजिए। आपके घर में तुम्हारे पूर्वज घर बना गए हैं, दरवाजा छोटा लगा दिया 4 फुट का, तुम्हारी खोपड़ी में रोज लड़ रहा है, तो उसको तोड़कर 7 फुट का लगा दो। उसमें कौन अपना जिद वाली बात है कि हमारे बाप के बाप बना गए थे, खोपड़ी भले फूट जाए पर यही रहेगा, यही नहीं रहेगा, इसको तोड़ के नया बना दो, ये होना चाहिए। किस किताब में लिखा एरोप्लेन में उड़ो, लेकिन उड़ते हो आप? किस किताब में लिखा चश्मा टेस्ट करके लगाओ, लगाते हो आप? किस किताब में लिखा है? कौन लिखेगा इतनी किताब, कौन लिखेगा इतना बवाल? और जिसकी जितनी समझ उतना लिख देता है, और कोई लिखे या न लिखे, लिखा हो या न लिखा हो, लेकिन जो उचित है वही करूंगा, जो अनुचित है वो कब